नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। 201 से आगे हम लोग बात करते हैं। 201वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है आपका भारत में। क्या होगा इसका बी ऑप्शन? क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो याद रखना, इसमें है आपका भारत। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के मध्य है? कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच है? तो यह आपका रूस और जापान। ठीक है, क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पांच, इयोन पियोंग द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो याद रखना है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है सिक्स, केती मोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है? तो याद रखना, कॉफी। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पांच, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप वनुई इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है? तो याद रखना, सेवेरूथ द्वीप। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका आठ, अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है आपका बीजिंग में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है नौ, मरगोसा तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये होता है आपका नीम। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है दस, विश्व के कुल कितने लॉक्ड देश विकासशील देश हैं? तो याद रखना, 33। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ग्यारह क्या है? क्वेश्चन ग्यारह, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? शेक्सपियर बीच आपका किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह है आपका इंग्लैंड में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है बारह क्या है, चिली में स्थित चूकी माता स्थान किस एस के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका तांबे के लिए। सी ऑप्शन सही है। क्या है? तांबा, तांबे के लिए प्रसिद्ध है आपका। क्वेश्चन है आपका 13, क्वेश्चन क्या है 13, निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है? सागर की तटरेखा नहीं है, तो यह आपका सारगा सारगा सो सागर, सारगसो सागर। डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 14, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी? याद रखना, इथोपिया। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 15 क्या है? 15 क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है? तो यह आपका चीन में। क्या है? चीन में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 16, निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी? तो याद रखना, क्वार्टरनरी काल में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17,
आकस्ता नीस किस देश में पाई जाती है? तो याद रखना कनाडा, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? याद रखना अंटार्कटिका, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, मोहर रोविसिच दरार किसके बीच सीमा बनाती है? तो याद रखना यह है आपका पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल के बीच, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 20, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? याद रखना सांटोस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 21, क्या है? निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद रखना भूटान का। क्वेश्चन है आपका 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना कनाडा, क्या है कनाडा, ठीक है, क्या होगा कनाडा। क्वेश्चन है आपका 23, थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है? तो याद रखना दक्षिणी, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं? याद रखना गुम्बदनुमा टीले, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 25, अंतर्राष्ट्रीय स्टेटोग्राफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है? तो याद रखना क्वार्टनरी पीरियड, क्या है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25, 26, ये 25 था आपका, 26 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो आपकी मॉन्ट ब्लांक सुरंग, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 27, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो याद रखना है निम्न ज्वार, सॉरी निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो याद रखना निम्न ज्वार, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28, अगला, मिलवाकी गर्त कहाँ स्थित है? तो ये आपकी पुएर्टो रिको टेंच में, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन आपका 29, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो याद रखना फर्न, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 30, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति आयनमंडल से ऊपर है, ठीक, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आपका 31, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना क्वेटो, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश हरियाणा में शामिल था? तो याद रखना अफगानिस्तान, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 33, अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह आपका नाइजीरिया, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 34, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो याद रखना विक्टोरिया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 35, रूस में कुल कितने समय खंड है? तो याद रखना 11। क्वेश्चन है आपका 36, क्या है क्वेश्चन, 36 एज एजेप जाला जोकुल
ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इजिप्ट, ज्वाला जोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखना आइसलैंड, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 37, विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दक्षिण कोरिया में, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 38, आर्कटिक महासागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो याद रखना नॉर्वे और रूस में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 39 39, सॉरी, चीन के शांसी व शैंसी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना कोयला, क्या है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 40, हेगिया सूफिया किस देश में स्थित है? हेगिया सूफिया आपका तुर्की में स्थित है, कहाँ है? डी ऑप्शन सही होगा, तुर्की। क्वेश्चन है आपका 41, निम्नलिखित में से किसे वान डाइमेंस लैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वान डाइमेंस लैंड कहा जाता है? तो आपको याद रखना है तस्मानिया, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 42, हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? बरमूडा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 43, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? याद रखना 14। क्वेश्चन है आपका 44, ओगादोगू निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो याद रखना बुर्किना फासो की, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 45, मोल्डाविया व वालाचिया की संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? रोमानिया, क्या है? सी ऑप्शन सही है, रोमानिया। ठीक, क्वेश्चन है आपका 46, अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की हैं? तो याद रखना जड़युक्त फसलें, क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 47, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो याद रखना मलक्का जलडमरू। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 48, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपको बता देना है चीन, क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, चीन। क्वेश्चन है आपका 49, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम पिघालक देश कौन सा है? तो याद रखना चीन, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 50, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो याद रखना बेरिंग जलडमरू, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आपका है फिर 51, निम्नलिखित ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो याद रखना डेनमार्क, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1950 में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 53, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना मलावी, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 54, मैगलन जलडमरू निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना है ये है आपकी प्रशांत महासागर,
और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55, तेगुसी गल्फा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? होंडुरास। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 56, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? तो याद रखना, पुएर्टो रिको। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 57, निम्नलिखित में से किस देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है? तो याद रखना, क्यूबा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 58, क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखना, अर्जेंटीना। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 59, ग्वातेमाला खाड़ी किस देश में स्थित है? क्यूबा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 60, निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? याद रखना, मिसिसिपी। डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। अगला है आपका 61, क्या है? प्राचीन मनुष्य से संबंधित फिल्ट डाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? तो याद रखना, इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। क्वेश्चन है आपका 62, क्वेश्चन है आपका 62, नियामी निम्नलिखित में से किस नियामी निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो याद रखना, नाइजर। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है 63, डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो याद रखना, मोजाबे मरुस्थल में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 64, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो याद रखना, अमेरिका में। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 65, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा? तो याद रखना, यूक्लिड। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 66, क्या है? क्वेश्चन है 66 आपका, भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो याद रखना, बिलॉक पर्वत। बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? तो याद रखना, 53। क्वेश्चन है आपका 68, विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? 1/3। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? 69, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 22 मई को। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 70, विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना, 20 मार्च को। क्या है? बीस मार्च को। क्वेश्चन है 71, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 23 नवंबर।
सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 73, विग्नी डे किस देश में मनाया जाता है? तो याद रखना जापान में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 3 मई को, क्या है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 75, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो याद रखना आयरलैंड में, क्या है इसका बी ऑप्शन सही है, आयरलैंड। ठीक है, आलू अकाल देश में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 76, क्वेश्चन है आपका 76, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 77, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 78, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 8 जून को, विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है 79, दुनिया में कौन सा देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है? दुनिया में कौन सा देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है? तो ये आपका चीन। क्वेश्चन है 80, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिए पूछ लेता है कई एग्जाम में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है 82, विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, इसे भी पूछ लेते हैं कई एग्जाम। क्वेश्चन है आपका 83, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 25 मई को, विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 84, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को, क्या है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 85, किस देश के कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो याद रखना नेपाल, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 86, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 87, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? तो याद रखना क्रिक जॉन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 90, विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल मनाया जाता है? याद रखना 8 मई को, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 91, किस देश के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी की थी? तो याद रखना थाईलैंड के, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 92, विश्व सौर ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 3 मई को। क्वेश्चन है 93, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 94, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 95, कौन सा भारतीय पहलवान 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में
बाहर वर्ग में विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर है, तो याद रखना बजरंग पूनिया, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 96, क्या है, किस देश ने रावण 1 नामक उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो याद रखना किस देश ने रावण 1 उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो श्रीलंका ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 97, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 29 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। क्वेश्चन है आपका 99, किस देश ने अपनी जमीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है, चीन ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 300वां, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 301, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 12 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन है दूसरा, अफ्रीका की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई है, तो ये है आपकी जूमिया, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 3, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 4, क्या है, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है। क्वेश्चन है 5, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस हर साल मनाया जाता है कब, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6वां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 7, जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना यह मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 8, विश्व में सबसे सेहतमंद देश कौन सा है, तो याद रखना यह है आपका स्पेन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 9, पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी, तो यह है सैयदा ताहिरा रफदार, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 10, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, जापान को, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है आपका 11, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, याद रखना कांगो में, डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है, तो याद रखना फिल्लार, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 13, इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना मेसोपोटामिया, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। क्वेश्चन है आपका 14, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, सीलोन, श्रीलंका को पहले सीलोन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका 15, किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है, तो याद रखना ईरान का। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 16, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है डच ईस्ट इंडीज, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है, तो याद रखना ताइवान का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड,
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? याद रखिए कोलंबिया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 20, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखना ओसाका, क्या है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 21, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो याद रखना सील की हड्डियों से, ठीक है। क्वेश्चन है 22, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखना एस्किमो, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो याद रखना आखेट व मत्स्य। क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से किस देश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं जनजाति? तो याद रखना विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। क्वेश्चन है आपका 25, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो यह आपकी पिग्मी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 26, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? म्यांमार में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 27, बेटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है फ्रांस में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28, एस्किमो निवासी हैं तो याद रखना कनाडा के। क्वेश्चन है आपका 29, सेमांग जनजाति का निवास है तो याद रखना मलेशिया, क्या है सेमांग जनजाति का निवास? मलेशिया। तो चलिए ये थे आपके 329 क्वेश्चन विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान के, ठीक है याद रखना।